हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सबसे पहले तो मैं कहूँ मैं आपके लिए रेगुलर वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। एक्चुअली क्या है ना, आप लोग समझ जाओ, बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल हो रहा है। मैं सोचती हूँ कि कुछ रिकॉर्ड कर लूँ लेकिन नहीं टाइम मिल पा रहा। आज का दिन भी ऐसे ही मिस होने वाला था, लेकिन फिर मैंने सोचा कुछ तो आपके लिए हेल्पफुल वीडियो रिकॉर्ड कर लूँ जो कि बहुत ज़्यादा लंबी भी ना हो। तो इसी से पता चलता है आज का वीडियो बहुत ज़्यादा शॉर्ट है लेकिन इन्फॉर्मेटिव है, ठीक है। तो आज मैं आपको बताना चाहूँगी, आज हम बात करते हैं उन फीमेल्स की जो कि कंसीव नहीं करना चाहती, ठीक है। लेकिन कुछ चांसेस ऐसे हो जाते हैं कि वो फीमेल्स कंसीव कर लेती हैं, तो अब उनके माइंड में आता है कि अब हम अबॉर्शन पिल्स ले लेते हैं तो अपनी जो प्रेगनेंसी है उसको टर्मिनेट करने के लिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है, आप अबॉर्शन पिल्स लेते हैं लेकिन तब भी अबॉर्शन नहीं होता। तो ये जो उनका स्टेप था, चलो ठीक है, लेकिन कुछ फीमेल्स यहाँ पर ये सोचती हैं कि अगर अबॉर्शन नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, ये जो बेबी है इसका हमारी किस्मत में आना ही लिखा है, तो हम इस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू कर लेते हैं। तो ये जो उनकी सोच हो जाती है, यहाँ पर आप गलत हो जाते हो। अगर आपने एक बार सोच लिया कि आपको प्रेगनेंसी टर्मिनेट करनी है, आपने पिल्स ले लिए हैं, तो आपको इस स्टेप से वापस नहीं आना चाहिए। जो आप मेडिकल पिल्स लेते हैं बेबी को टर्मिनेट करने के लिए, उससे ऑब्वियसली कुछ ना कुछ बच्चे को डिफेक्ट्स होते हैं। अगर ठीक है अबॉर्शन नहीं हुआ लेकिन कुछ ना कुछ बर्थ डिफेक्ट ज़रूर हुआ होगा बच्चे को, तो आप ऐसा रिस्क ना लें। आजकल मैं मानती हूँ बहुत सारी एडवांस टेक्निक्स आ गई हैं रूल आउट करने के लिए कि बच्चे में कोई कमी तो नहीं है, लेकिन ये अधिकतर जो स्ट्रक्चरल कोई भी डिफॉर्मिटी होती है, कुछ कमी होती है बच्चे में, उसको रूल आउट कर लेते हैं। सपोज़ कीजिए आपका फेस पे कोई डिफॉर्मिटी है या स्कल डिफॉर्मिटी है, इस टाइप की डिफॉर्मिटीज़ को रूल आउट कर लेती है। लेकिन आपका जो बच्चे का दिमाग है उसके अगर कुछ एबनॉर्मेलिटी होती है, फिर जो ब्रेन डेवलपमेंट है, इस सब को ज़्यादा रूल आउट नहीं कर पाती हैं। तो यहाँ पर मैं आपको यही एडवाइस करूँगी, अगर आपने अबॉर्शन पिल ले ली है, अबॉर्शन नहीं हुआ है, तो आप अपनी प्रेगनेंसी को कंटिन्यू ना करें। आप चाहे डीएनसी कराएं, कुछ भी कराएं, लेकिन आपको वो प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं करनी चाहिए। ये फ्यूचर में जाके आपके और आपके बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग हो सकता है, क्योंकि जो आपके अबॉर्शन पिल्स होती हैं कुछ ना कुछ बर्थ डिफेक्ट ज़रूर करती हैं बच्चे में, ठीक है। हाँ तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को।